हेलो बच्चों। सो एक लेटेस्ट अपडेट है बच्चों, जो कि सीयूईटी एग्जाम जो कल से स्टार्ट हो रहा था 15 मई से। सीयूईटी जो आप लोगों का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है बच्चों, जो स्टार्ट होना था 15 मई से, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। ये जैसे मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा, मैं जस्ट सोने ही वाला था, मैंने देखा कि यार ये क्या, ये सीयूईटी एग्जाम मतलब पोस्टपोन कर दिया, इतना बड़ा एग्जाम है। लेकिन मैंने जब उसको डिटेल में जाके पढ़ा तो पता लगा कि वो सीयूईटी एग्जाम जो है वो बेसिकली दिल्ली रीजन का, मतलब दिल्ली में जो बच्चे कल एग्जाम देने वाले थे उनका पोस्टपोन हुआ है। और उससे रिलेटेड क्या क्या अपडेट है बच्चों, को सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज बड़ी शॉकिंग लगी मुझे, इसका जो रीजन था ना वो बड़ा ही शॉकिंग लगा कि यार जो, अच्छा जो एनटीए ने जो नोटिस, पब्लिक नोटिस जो रिलीज किया उसमें उन्होंने उसका रीजन नहीं बताया। बट द थिंग इज के कुछ न्यूज़पेपर के मैं आर्टिकल वगैरह देख रहा था, उसमें वो नोटिस बताया। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ दिल्ली में हुआ है, दिल्ली का पोस्टपोन हुआ है बच्चों। लेकिन सोचो ना कि कल एग्जाम होना है, कल बच्चे सारे एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, कल उनको एग्जाम देना है, और वो भी इतना बड़ा एग्जाम, मतलब जैसे लाइक पूरा के पूरा जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, और वो पोस्टपोन हो जाना जस्ट बिफोर द एग्जाम, मतलब एक दिन पहले भी नहीं, रात को जाके आपको पता चलता है कि कल आपका सीयूईटी का एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया। सो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ व्हाट इज द पब्लिक नोटिस जो कि एनटीए ने जो रिलीज किया है वो क्या है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्लियरली आप देख पा रहे हैं, 14 मई को ये नोटिस आया है बच्चों। रीस्केड्यूलिंग ऑफ द टेस्ट पेपर ऑफ द सीयूईटी यूजी 2024 फॉर द कैंडिडेट अपियरिंग इन द सेंटर्स अक्रॉस द दिल्ली ऑन 15 मई 2024। तो मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ आपको कि सिर्फ दिल्ली में जिनके सेंटर थे ना उनका पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, उनका सीयूईटी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन मैंडेट बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी टू कंडक्ट द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये सीयूईटी का फुल फॉर्म है, फॉर एडमिशन ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस कॉलेज सिंस द ईयर 2022। तो ये सीयूईटी 2022 से इन कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए मतलब कंडक्ट कराया जाता है बच्चों ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये। इट इज बीइंग इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न कैंडिडेट, ये इन्फॉर्म किया जा रहा है सारे कैंडिडेट्स को एंड स्टेक होल्डर दैट ड्यू टू द अनअवॉइडेबल रीजन द टेस्ट पेपर ऑफ द केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, ये कोड दे रखे बच्चों, विच वर अर्लियर स्केड्यूल्ड ऑन 15 मई 2024 एंड स्टैंड पोस्टपोन फॉर द कैंडिडेट अपेयरिंग इन द सेंटर्स अक्रॉस द दिल्ली। और इन्होंने बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली दी है यहाँ पे ना, सेंटर्स अक्रॉस दिल्ली में ही पोस्टपोन हुआ है, द एग्जामिनेशन विल नाउ हेल्ड ऑन 29 मई 2024। और इसका बच्चों रिवाइज्ड एडमिट कार्ड आपको इश्यू किया जाएगा जो भी बच्चे सेंटर्स में मतलब अपियर हो रहे हैं दिल्ली में, ठीक है। और प्लीज नोट दैट द एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड ऑन द 15 मई विल बी हेल्ड एज पर द कम्युनिकेटेड स्केड्यूल, जो बाद बाकी जो सिटीज है ना बच्चों, इन ऑल अदर सिटीज अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद एंड नोएडा एंड अब्रॉड, इवन जो जो सेंटर्स है ना, जो दिल्ली में जो सेंटर्स है ना, सिर्फ उनका पोस्टपोन हुआ है बच्चों। ऑल अदर सिटीज जो कि चाहे आप गुड़गांव कह लो, गाजियाबाद कह लो, फरीदाबाद कह लो, नोएडा कह लो, इनमें पोस्टपोन नहीं हुआ है, ठीक है। फर्दर एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन अदर डेट्स 16, 17 एंड 18 एट ऑल सेंटर इंक्लूडिंग दोज इन द दिल्ली विल बी हेल्ड एज शेड्यूल्ड। सो सिर्फ 15th वाला स्केड्यूल पोस्टपोन हुआ है बच्चों ना, 16, 17, 18 दिल्ली वाले भी एग्जाम होंगे। फॉर मोर डिटेल रिगार्डिंग द सीयूईटी 2024 आप कैंडिडेट जो है इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बच्चों ईमेल आईडी दे रखी है। ये था बच्चों एक सर्कुलर, मैं पढ़ रहा था बच्चों जो न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल है ना, बड़ा फनी लगा मेरे को ना, तो इसमें मतलब मैं न्यूज़पेपर का आर्टिकल यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता। तो रीजन फॉर द चेंज द रीस्केड्यूलिंग इन द दिल्ली वॉज नेसेसिटेटेड ड्यू टू द हाई नंबर ऑफ द एस्पिरेंट, मतलब इससे थोड़ा सा मैनेजमेंट का इशू हुआ है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हाई नंबर ऑफ एस्पिरेंट हो गए, लेकिन ये तो पहले से पता होगा, 14th की रात को कैसे पता चला, और इनसफिशियंट कहीं ना कहीं किसी किसी सेंटर में प्रॉब्लम आ गई होगी, फिर उसको मैनेज नहीं हो पा रहा होगा ना, तो कल कल का मतलब इन्होंने, ऐसा हो जाता है कई बार, बहुत बड़ा एग्जाम है तो ऐसा हो जाता है, तो कल कल के लिए बच्चों इन्होंने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है, और ये 29th को होगा, ठीक है, 29 मई को होगा। पर ये मुझे लगता है कि लास्ट मिनट कुछ प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज तो मतलब ऐसा नहीं है कि इतने बड़े एग्जाम में मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम आनी चाहिए। सो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी मुझे इन्फॉर्मेशन, तो मैंने सोचा कि बच्चों को इन्फॉर्म कर दें, कन्फ्यूजन ना रहे किसी तरीके का। तो बच्चों एक बार समराइज कर देता हूँ,
सिर्फ दिल्ली के जो सेंटर है उनका 15 मई वाला जो एग्जाम था सीयूईटी का वो पोस्टपोन कर दिया है 29 तारीख को। बाद बाकी एग्जाम एज इट इज होंगे, सिर्फ दिल्ली सेंटर्स का हुआ है बच्चों। बाद बाकी जो मतलब जो आसपास जो गुड़गांव गाजियाबाद नोएडा वगैरह है ना बच्चों, इनमें भी पोस्टपोन नहीं हुआ है, इनमें एग्जाम एज इट इज होगा कल। सिर्फ दिल्ली के सेंटर्स में ये प्रॉब्लम आई है। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन काफी इन्फॉर्मेटिव लगी। बाद बाकी बच्चों आप में से जो भी बच्चे आगे जाके अनअकैडमी पे प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, कैलास्टन रेफरल कोड लगा के आप जो है अनअकैडमी का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6499 रुपीज में बाई कर सकते हैं। और अपनी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन अगर कोई करना चाहता है तो वो स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई ड्रॉप वगैरह लेना चाहता है तो ड्रॉपर बैचेस अभी लॉन्च हुए हैं, जाइए एक बार चेक जरूर करिए कि कौन कौन से बैचेस हैं। अगर आपके लिए कोई सुटेबल बैच लगता है गो फॉर इट। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।